हेलो, ये सतावर का प्लांट है, वाइन है। सतावर की वाइन होती है, प्लांट नहीं होता है। तो ये देखो, अभी ये डोर मेसी में है, इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं पूरा ऊपर तक। और इसके ये सीड्स हैं जो पक चुके हैं, पहले हरे थे और अब ये पूरे लाल हो चुके हैं। इन्हीं मैंने बीज से ही उगाया था। ये देखो, इस तरह का काला बीज निकला है। और इसे अभी लगाएंगे तो नहीं होगा, ये बरसात के टाइम पे ऑटोमेटिकली ये ग्रो हो जाएगा। ये बहुत हार्ड है, जैसे जो केली होती है ना, जिसमें केला जैसे पत्ते होते हैं, उसके भी हार्ड बीज होते हैं, वो बरसात के टाइम पर ही फूटते हैं। और उसी तरह से ये भी बहुत हार्ड है, और ये बरसात के टाइम पे लगाएंगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अभी मैं इनको हार्वेस्ट करके रख लेती हूँ। ये देखो, सतावर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इतने हो गए बीज इसमें। ये क्योंकि मटके में लगाया है, इसलिए इसमें ज़्यादा फूल तो बहुत लगे थे, लेकिन बीज नहीं हो पाए हैं। और इसके बीज भी, इसके फूल भी बहुत सुंदर है। मैंने पहले भी इसकी एक वीडियो डाली है फूलों की, तो उसमें फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे गुच्छे में पूरे भर के। ये देखो, ये पूरे जो दिख रहा है, ये पूरे फूल, इनमें पूरे में फूल ही लग रहे थे। यहाँ पूरे में फूल लग रहे थे, नीचे से लेके ऊपर तक। ये फूल, ये सब फूलों का है, सब झड़ चुके हैं फूल, लेकिन बीज बहुत कम हुए हैं। रीज़न मुझे नहीं पता क्यों, पर इनकी है ना बहुत, इनकी जड़ें ना बहुत मोटी होती है, और जड़ों का ही पाउडर बना के खाया जाता है कई बीमारियों में। आप सर्च कर सकते हैं, मैं एक बार इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, जिससे मैं बताऊंगी कि किस किस चीज़ों में इसका पाउडर खाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हार्वेस्ट फॉर सतावर सीड्स।